बैक टू दिस सेम स्लाइड, अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे 12 नोड होते हैं, 12 नोड से हम मेजर स्केल निकालते हैं, मेजर स्केल से हम फैमिली कॉर्ड निकालते हैं। बट फैमिली कॉर्ड्स में अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सी मेजर फैमिली या सी मेजर जो कॉर्ड है वो कैसे बन रही है, आज हम सी मेजर कॉर्ड की बात करें, डी माइनर की बात करें, ई माइनर की बात करें, तो ये एग्जैक्टली कॉर्ड बन कैसे है। सो लेट मी अगेन रीआइटरेटेड, जो हमारा सी मेजर स्केल है वो होता है सी डी ई एफ जी ए एंड बी। आज मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं सी मेजर कॉर्ड प्ले कर रहा हूं, कॉर्ड माने ग्रुप ऑफ नोट प्लेड टुगेदर, जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, इस पर्टिकुलर कॉर्ड को निकालने का इस पर्टिकुलर स्केल से बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ऑल्टरनेटिव थ्री नोट्स प्ले करने हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक छोड़ के अगला। तो अगर मैं सी ई और जी को एक साथ प्ले करूंगा दैट विल बिकम एज अ सी मेजर कॉर्ड, वेयर एज अगर मैं डी एफ और एक साथ प्ले करूंगा देन इट विल बिकम अ डी माइनर कॉर्ड। व्हाई? बिकॉज एक पर्टिकुलर स्केल में फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ कॉर्ड नोट्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं, सी मेजर के केस में हो जाएगा आपका सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, व्हेयरएज सेकंड थर्ड एंड सिक्स्थ विल बी अ माइनर कॉर्ड, दैट इज व्हाट डी माइनर, ई माइनर एंड ई माइनर। सो अगर मुझे इसी के हिसाब से ई माइनर कॉर्ड फाइंड करना है तो ये मेरा ई नोट है, ऑल्टरनेट क्या होगा, ई के बाद जी, जी के बाद बी। तो अगर मैं ई नोट को, जी नोट को और बी नोट को एक साथ प्ले करूंगा दैट विल बिकम ई माइनर। I hope it's clear. If you have any questions, you can call me at 9711296196 or you can share your comments below. अगर music में आपको ये पता है कि what is music, what is sound, what is 12 note, what is major minor scale, what is a family chord, you have understood around 70% of basic music theory. Now let's get into some trips and tricks of guitar and let me just show you some demonstrations.